हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री मोर देन वन का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था, जो कि था इक्वेशन सॉल्युबल फॉर पी। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है इक्वेशन सॉल्युबल फॉर वाई। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो टॉपिक का जो नाम है वो है इक्वेशन सॉल्युबल फॉर वाई, मतलब हम इक्वेशन को वाई के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो वर्किंग मैथड है वो ये है, फाइव स्टेप हैं इसमें। तो पहला स्टेप है कि जो इक्वेशन हमें दी गई होगी उसको हम वाई के फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड जो स्टेप है वो है उस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पी पुट करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे या तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पी को एलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन से और फर्स्ट इक्वेशन से के बीच में, पी को हम एलिमिनेट करेंगे। तो ये है वर्किंग रूल कि हम y के फॉर्म में कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है, y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो था कि अरेंज इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वाई, तो ये इक्वेशन जो है वो वाई के फॉर्म में है। अगर ये वाई इज़ इक्वल टू ना हो के एक्स इज़ इक्वल टू समथिंग होता, तो हम पहले इस इक्वेशन को वाई के फॉर्म में करते। फिर अब सेकेंड स्टेप हम करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे, ऊपर यहाँ पर लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स का वन हो जाएगा, फिर माइनस का एक्स डी पी अपॉन डी एक्स। क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्लस पहले हम पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टू पी फिर डी पी अपॉन डी एक्स। फिर प्लस अगर हम पी को रखेंगे और फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, इतना हमें मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस इस वाले टर्म को हम पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब पी स्क्वायर, फिर प्लस टू एक्स की पावर 4 पी डी पी अपॉन डी एक्स, कुछ इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना था, जो थर्ड स्टेप था वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे पी पुट करना था। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसकी जगह पे हम पी पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम पी पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये सारे टर्म्स हम इस साइड ले आएंगे। जब हम सारे टर्म्स इस साइड लाएंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। पी ये माइनस का है, इधर आ जाएगा टू पी हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा, मतलब जब हम ये सारे टर्म्स इधर लाएंगे, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का एक्स डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर ये माइनस इधर, ये प्लस का है, तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे, फोर एक्स क्यूब प्लस पी स्क्वायर माइनस फोर पी डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, ये डी पी और ये डी पी जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, और इसमें से हमें एक्स भी कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लेंगे और डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा वन माइनस टू एक्स क्यूब पी। अब ये दोनों टर्म बचे हुए हैं, तो हम इन दोनों टर्म में क्या हमें कॉमन मिल जाएगा, एक तो हमें टू कॉमन मिल जाएगा प्लस टू पी, और फिर ये हो जाएगा वन माइनस टू एक्स क्यूब पी, ये हमें मिल जाएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये और ये टर्म एक जैसे हैं, तो हम इनको एक साइड लिख लेंगे, वन माइनस टू एक्स क्यूब पी, और ये टर्म जो है वो हम एक पास रख लेंगे, जो इसके बचे हुए टर्म हैं, तो ये है एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, और इधर से टू पी बचा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम नीचे यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ओमिटिंग द फर्स्ट omitting the first factor, we have, अब हम ये वाला फैक्टर लेंगे,
इसका जो ये सेकेंड फैक्टर है बोलेंगे तो ये है एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस टू पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, इनके वेरिएबल सेपरेट करना है। क्यों वेरिएबल सेपरेट करना है, क्योंकि जो फोर्थ है स्टेप है उसमें हमें इक्वेशन को या तो हम इंटीग्रेट करें या इक्वेशन को सॉल्व करें, और इंटीग्रेट द इक्वेशन और सॉल्व इक्वेशन। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, इसके वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, टू डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी माइनस डी पी अपॉन पी। ये इक्वेशन को जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, क्योंकि ये जो फिफ्थ स्टेप सॉरी फोर्थ स्टेप था उसमें हमें इक्वेशन को इंटीग्रेट करना था, तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टू लॉग एक्स प्लस, अब ये वाला टर्म जो है वो भी हम इधर ले आएंगे, या फिर हम ऐसे ही लिखें माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग पी प्लस लॉग सी, क्योंकि इंटीग्रेशन का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी जुड़ेगा। अब हम ये जो माइनस का है वो हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा टू लॉग एक्स प्लस लॉग पी इज इक्वल टू लॉग सी। अब हम लॉग ए प्लस लॉग बी का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, पहले तो ये जो यहाँ पे टू है इसको हम स्क्वायर में भेज दे देते हैं। अब लॉग ए और लॉग बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग होता है लॉग ए बी, मतलब एक्स स्क्वायर पी आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी। ये लॉग से ये लॉग कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर पी इज इक्वल टू सी, पी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमें पी की मिल जाएगी। अब हमें जो लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, लास्ट स्टेप में हमें करना होता है पी को एलिमिनेट फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से, मतलब ये जो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली है, मतलब जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसमें हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब हम ये इक्वेशन मतलब जो पी की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग अबव वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन गिवन इक्वेशन लिख दीजिए या इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू माइनस सी, माइनस सी अपॉन, तो ये एक्स है चलो माइन यहाँ ऊपर एक्स था अपॉन ये नीचे एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस एक्स की पावर फोर सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फोर, तो ये फोर से ये फोर कैंसिल, ये स्क्वायर से एक ही कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी बाई एक्स, और यही जो होगा ये जो होगा यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।